दोस्तों महिंद्रा वीरो, महिंद्रा ने इस स्मॉल कैटेगरी के जो है यहाँ पर पिकअप सेगमेंट में इसे लॉन्च करके एक अलग ही जो है यहाँ पे बेंचमार्क सेट कर दिया है। आज इसी के बारे में जानने वाले हैं। कुछ टाइम पहले ये लॉन्च हुआ था, आज जो है हमें ये देखने को मिला, तो मैंने सोचा आपको इसके बारे में डिटेल में बताया जाए, क्या इसकी जो है टोटल वेरियंट्स रहते हैं, क्या इसकी एक शोरूम रहेगी। और सबसे वेरियंट जो है टॉप एंड वेरियंट अभी आपके सामने खड़ा है, V2, V4, V6 टोटल तीन वेरिएंट आएंगे, जानेंगे इसके बारे में। सबसे पहले देखिए ये पिकअप ना, जितने भी इसके जो कॉम्पिटिटर हैं, अगर मैं अशोक लेलैंड की ओर से दोस्त कहूँ या फिर जो है टाटा की ओर से इंट्रा कहूँ, ये उनसे पिकअप से काफ़ी खास है। खास इसका कैबिन भी है और इसके अंदर जो है आप इसे जब स्टार्ट करते हैं या फिर इसके दरवाजे बंद करते हैं, प्रॉपर आपको जो है वो प्रीमियम वाली फील आने वाली है इसमें। तो जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले ये जो पिकअप है जिस प्लेटफॉर्म पर बना है, आता तो ये जो है डीजल और सीएनजी में आया है अभी, लेकिन जो इसका प्लेटफॉर्म है आपका जो है अर्बन प्रॉस्पर प्लेटफॉर्म, यूपीपी प्लेटफॉर्म है, तो इसमें यह है आने वाले टाइम में इसी में आपका जो है इलेक्ट्रिक अवतार भी आपको देखने को मिल सकता है इसी प्लेटफॉर्म में। साथ ही साथ इस प्लेटफॉर्म में लगभग जो है 1 टन से लेकर 2 टन की जो है यहाँ पर पेलोड की जो है यहाँ पर गाड़ियाँ जो है आ सकती हैं। तो ये काफ़ी जो है वर्सेटाइल तरीके का जो है यूपीपी प्लेटफॉर्म इसमें जो है यहाँ पर महिंद्रा ने यूज किया है। और अब वेरिएंट से स्टार्ट करते हैं। तो वेरिएंट की अगर मैं बात करता हूं तो इसके जैसे कि मैंने बताया V2, V4 और V6 वेरिएंट रहने वाले हैं। V6 में आपको जो है ये 10 फीट डाले के साथ में मिलेगा, जिसे कि डबल एक्सल कहा गया है, और इसके बाद जो है 9 फीट डाला वाला वेरिएंट भी है। और यहाँ पर आपको CBC वेरिएंट जो कि V2 में आएगा, जो चेसिस लेना चाहता है इसका, जो एक तरीके से पूरा कंटेनर बनाना चाहे, वो भी जो है इसका CBC वेरिएंट V2 वेरिएंट में ले सकता है। 7,99,000 रुपये उसकी एक शोरूम रहती है। उसमें भी आप जो है उसमें स्टैंडर्ड डेक लेना चाहे ऐसा वाला बेस मॉडल में, वो ले सकता है। उसकी एक शोरूम जो है लगभग आपकी 8,90,000 रुपये रहेगी। इसके बाद जो इसका हाई डेक वाला आ रहा है, हाई डेक में आपकी जो है ऊपर तक बॉडी जो लोग बाहर से बनवाते हैं, वो वाला वेरिएंट भी आपका जो है इसमें V2 वाले में मिल जाएगा, जिसकी एक शोरूम लगभग 8,90,000 रुपये रहेगी। फिर इसका V4 वेरिएंट आएगा, V4 वेरिएंट की एक शोरूम जो है लगभग 8,99,000 रुपये रहती है। और ये सबसे टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, 9,56,000 रुपये इसकी टोटल आपकी जो है एक शोरूम देखने को मिलती है। तो ये जो है आज टॉप एंड वेरिएंट को जो है हम बात करने वाले हैं इसके बारे में। और सामने जितने भी मैंने वेरिएंट बताए एक बार आपका जो है स्क्रीनशॉट मैं आपको दे दूंगा, इससे आपको पता लग जाएगा। तो जो बेस वेरिएंट है वहाँ आपको हाई डेक, लो डेक, स्टैंडर्ड डेक, CBC चेसिस वाला वेरिएंट वो देखने को मिल जाते हैं। तो ये थी इसकी बात। अब सबसे पहले इसका जो है बाहर का जो है जितना भी मतलब कितना फिट का डाला है, कितने पेलोड है, ये बाद में जानेंगे। सबसे पहले मैं इसका इंटीरियर दिखाता हूँ आपका अंदर से। अंदर से जो पिकअप है ना, वो भाई साहब जो है देखने लायक है, फील करने लायक है। अभी जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें तो इतना ज़्यादा आपको जो है पता नहीं लगेगा, तब भी जो है कोशिश करना एक बार जानने की। सबसे पहले डोर हैंडल देखिए, कुछ ऐसे मिलते हैं, ऐसे वर्टिकल शेप में जो है ओपन हो जाते हैं, तो थोड़ा आपको प्रीमियमनेस, थोड़ा अलग से जो है यहाँ पे दरवाज़ा ओपन करने का पूरा फील आपको यहाँ पर मिल जाता है। और दरवाज़ा देखिए कुछ इतना जो है इसका पूरा ओपन होता है, अच्छा खासा वाइड सा जो है आपका जो है ओपन हो जाएगा। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका वीरो लिखा हुआ और आर भी अलग से शेड में आपको ब्राउन शेड में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वो RBM साहब देख रहे हैं, ये बुलेरो वाले ही आपको डिज़ाइन वाले लगेंगे, लेकिन ये थोड़े से और बड़े कर देते ना तो मज़ा ही आ जाता है यहाँ पर। अब अंदर जाएंगे सबसे पहले, तो अंदर जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे जो ट्रिम्स हैं ये पूरी हार्ड प्लास्टिक में दे रखी हैं कुछ इस तरीके से, जो कि इसकी क्वालिटी मेरे को अच्छी लगी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो है इस तरीके से डोर ओपन करने का, ये लॉक करने का आपको सिस्टम दे दिया जाता है। यहाँ पर बोतल आ जाएगी, ड्रिंक्स आप जो है यहाँ पर अपनी बोतल रख सकते हैं, ड्राइवर साहब अपनी बोतल रख लेंगे। बाकी ये स्पीकर, क्योंकि इसमें म्यूजिक सिस्टम भी है भाई साहब, तो इसमें आपको प्रॉपर आपके जो है मनोरंजन का जो है पूरा ध्यान रखा गया है। अब इसके बाद सीटों की बात करते हैं, और ये सीट जो देख रहे हैं ना, सबसे पहले देखिए अच्छी खासी लंबी है, तो ड्राइवर अगर थोड़ा बड़ा होता है, टांगें बड़ी होती हैं, तो अंदर थाई सपोर्ट में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो यहाँ पर अंदर थाई में कोई इसमें जो है दिक्कत नहीं आने वाली है। ये स्लाइड हो जाएगी आगे को, और ड्राइवर की हाइट बड़ी रहती है तो यहाँ पर जो है एडजस्टेबल हेडरेस्ट दे रखे हैं, इस तरीके से एडजस्ट कर सकता है। दो कलर में यहाँ पे आपको जो है सीट देखने को मिल जाती है। और ये वाली सीट ये देख रहे हैं आप, इस सीट के साथ में जो है आप
जो है ड्राइवर के साथ में दो लोग जो है आराम से इसे बिठा सकते हैं, और ये सीट जो है नीचे डाउन भी हो जाती है। अभी मैं करूँगा यहाँ पर, तो इस तरीके से कभी कभार आराम करना चाहे जो है यहाँ पर जो है सीट में बैठ के जो है बंदा, तो आराम से जो है यहाँ पर ड्राइवर कर सकता है। अब अंदर चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कंट्रोल्स देख लीजिए, एसी वेंट, प्रॉपर एसी है, एसी वाला कैबिन रहेगा। तो यहाँ पे कंट्रोल्स की बात करें, हेडलाइट की बीम यहाँ से एडजस्ट होगी, और आपको पावर और इको मोड दे दिया गया है। गाड़ी खाली कर रहे हो तो आप जो है इको मोड लगा लो, माइलेज ज़्यादा ले लो, ज़्यादा लोड की ज़्यादा लोड ओवरलोड करके ले आ रहे हैं तो पावर मोड पर डाल के थोड़ा सा पावर आपकी बढ़ जाएगी। आइडल स्टार्ट स्टॉप कारों में देखा होगा ना आपको, जो है इसमें भी दे दिया गया है, तो ट्रैफिक में जो है एक तरीके से फ्यूल सेव करने का काम करेगा। बाकी यहाँ पे चाबी आप देख रहे हैं, आपके जो है महिंद्रा की पिकअप्स में ऐसी देखने को मिलती हैं। बाकी दो चाबी यहाँ पर यूरिया वीरिया वगैरह की होंगी। और बाकी यहाँ से अब अंदर चढ़ते हैं। अंदर चढ़ने के लिए आपको प्रॉपर यहाँ पे पैर रखने की जो है इस तरीके से जो है इसी में इसी फ्रेम में जो है आपका जो है यहाँ पे लगाया गया है। ऐसा नहीं कि बहुत बाहर सा निकल रहा है तो इससे पता भी नहीं लगता। ये देखिए दरवाजा बंद होता है तो पता नहीं लगेगा। अंदर पैर रखने के लिए कुछ जो है यहाँ पे जगह दे देगी। जैसे ये ओपन होता है यहाँ से आपका जो है अच्छे तरीके से इसे डिजाइन किया गया है। जैसे आप अंदर आते हैं तो ये पकड़ने के लिए पूरा सिस्टम ग्रैब हैंडल आपको देखने को मिलेगा, तो कुछ इस तरीके से पकड़ के आप अंदर आ जाते हैं। अब इसको जो है हम बंद करेंगे, बात करेंगे इसके इंटीरियर की। अब जैसे ही आप ना इसके अंदर आते हैं कैबिन में, तो आपको पूरा फील हो जाता है। अब यहाँ से आप जैसी इसकी जो है विंडो बंद होंगी तो एकदम साइलेंट, बाहर की आवाज़ बहुत ही कम आती है, तो कैबिन भी आपका जो है एकदम नॉइस प्रूफ वाला जो है यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। चाहे मैं इसकी रबड़ों की बात करूँ, क्योंकि इससे ही जो है पूरा जो बाहर की साउंड है वो थोड़ी सी जो है कम होती है, और दरवाज़ा बंद होता है तो वो आपको एकदम स्मूथनेस सी काफ़ी अच्छी खासी जो है देखने को मिल जाती है। अब स्टेयरिंग की बात करते हैं। सबसे पहले पावर स्टेयरिंग आपको जो है कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, जो कि डुअल टोन कलर में है, बीच में जो है महिंद्रा का लोगो, और इसके अंदर है भाई एयरबैग। एयरबैग पहली जो है ये पिकअप स्मॉल कैटेगरी की रहती है, जो कि महिंद्रा की ओर से या फिर जो है अभी इंडिया में जो कि एयरबैग के साथ में आ रही है, तो ड्राइवर की जो है सेफ्टी यहाँ पर जो है बढ़ जाती है। क्योंकि ऐसे जो है कॉमर्शियल व्हीकल में और यहाँ पर छोटे पिकअप्स में कोई सेफ्टी का ध्यान नहीं देता, तो महिंद्रा ने ये शुरुआत कर दी है, जो कि अब जो है आने वाले टाइम में कॉम्पिटिटर जितने भी हैं मैदान में वो भी जो है यहाँ पर इसका जो है यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो स्टेयरिंग कुछ ऐसा रहता है, इसमें एडजस्टमेंट नहीं है स्टेयरिंग में, आपकी जो है टेल टेलीस्कोपी कुछ नहीं मिलती है। इसके बाद आप इसका जो है मीटर देखेंगे। मीटर देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा ग्लॉस फिनिश दे रखा है ब्लैक कलर में, काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ से आप जो है सेट करना चाहें जो है कर सकते हैं। ये सारी कई सारी चीज़ें इसमें जो है आपको जो है देखने को मिल जाएगा। मोड लेवल, डेफ लेवल कितना है यहाँ पर, और ट्रिप ए ट्रिप बी, ये सारी चीज़ें, और यहाँ पर आपके जो है टेम्परेचर दिखाएगा डिग्री सेल्सियस में। यहाँ पे फ्यूल लेवल कितना है, यहाँ पे जो है टेम्परेचर गाड़ी का कितना रहेगा, ऊपर टाइम हो गया, डेफ लेवल अभी 77% है, और टोटल किलोमीटर कितनी चल गई है गाड़ी, और इंजन की जो जितनी भी लाइटें आती हैं वो ऊपर आपकी बैटरी की जो है सीट बेल्ट की, पार्किंग ब्रेक की, और साथ ही साथ इंजन चेक लाइट यहाँ देखने को मिलेगी। और ये जो इको मोड देख रहे हैं ना, इसको देखिए यहाँ से चेंज करेंगे, जो कि मैंने बताया था यहाँ पे जैसे आप प्रेस करते हैं तो ये पावर मोड में आ गया। पावर मोड ऑन लिखा भी अभी आ जाएगा और इको मोड ऑन भी लिखा हुआ आ जाएगा। तो इको मोड कहाँ यूज करना है, पावर मोड, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। इसके बाद जैसे आप डैशबोर्ड देखते हैं तो डैशबोर्ड में एकदम कार वाली फील आ जाती है। वैसे आप बैठे हुए थोड़े से ऊंचे से लगते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा नीचे को जो है यहाँ पे डैशबोर्ड लगेगा, लेकिन पूरी कार वाली फील देता है आपको। एसी वेंट यहाँ पे दो साइड में रहेंगे और दो बीच में आपका जो है ऐसे हॉरिजॉन्टल में रहते हैं, दो आपके जो है वर्टिकल में रहते हैं। इसके बाद जो स्क्रीन है, ये कभी आपने स्क्रीन देखी है किसी पिकअप में, कंपनी की ओर से ही आ रही है स्क्रीन, इतनी बड़ी लगभग 10 इंच के जो है 26 सेंटीमीटर के आसपास ये स्क्रीन होगी। और इसमें जो है कैमरा भी है, बैक गियर जैसी जो है अगर आप लगाएंगे तो आपका जो है बैक कैमरा आप जो है देख सकते हैं। गाइडलाइंस के साथ में पीछे बुलेरो खड़ी है तो कुछ क्लियरिटी इतनी आपको जो है देखने को मिलेगी। तो ऐसी कुछ रहती है गाइडलाइंस, काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पर आपकी जो शो हो रही हैं। अब इसकी स्मूथनेस, क्या ये अटक अटक के तो नहीं चल रहा, तो यहाँ पर आप देखें तो स्मूथनेस अच्छी है, लैग कुछ इसमें जो है देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आप जो है यहाँ पे जो भी करना चाहें, स्टीयरिंग व्हील यहाँ पर जो है, इसके मोड्स आपके जो है, इस पर जो भी कंट्रोल्स करना चाहें, इसमें वॉल्यूम का दे रखा है, जो है फ़ोन उठाने का, ये सारा कुछ आपको जो है देखने को मिल जाएगा। तो ये भी काफ़ी स्मूथ है,
सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो है सारे ऑप्शन आपको जो है देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। तो स्मूथ काम कर रहा है, ये अच्छी चीज़ लगी। बाकी एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये सारा कुछ इसमें कुछ नहीं रहता, सिंपल सा जो है यहाँ पर। ये आपने शायद मेरे ख्याल से बोलेरो नियो में भी देखा होगा, तो ये वाली स्क्रीन आपको जो है देखने को मिल जाती है, ऐसी कुछ रहेगी। बाकी जैसी नीचे आते हैं, ये हैजार्ड लाइट का ऐसा जो है टिप टिप करेगा, आवाज़ करेगा। बाकी एसी देखिए, कुछ ऐसे जो है भर्राटेदार एसी आपको जो है इस पिकअप में देखने को मिल जा रहा है टॉप एंड मॉडल में। तो ऐसा जो है एसी आपका वीरो में रहेगा, साथ ही साथ ये इसके जो है हैजार्ड लाइट के हैं। बाकी ये पावर विंडो के कंट्रोल्स, ये देखिए पावर विंडो के कंट्रोल्स कुछ ऐसे दे रखे हैं। पावर विंडो भी जो है आपको इस पिकअप में देखने को मिल जा रही है, और साथ ही साथ जो है USB aux इसको जो है यहाँ पर अपने फ़ोन से यहाँ से आप कनेक्ट करेंगे, और ये टाइप सी चार्जर आपको जो है यहाँ पे फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है, तो ये भी आपको आपके फ़ोन चार्ज करने में जो है हेल्प करेगा। बाकी 12 वोल्ट का यहाँ पे सॉकेट दे रखा है, और ये चीज़ पूरी जो है ग्लॉस ब्लैक में दे रखी है, तो ये पूरा ब्लैक पार्ट है जो कि काफ़ी अच्छा लगने वाला है आपको। इसके बाद जैसे आप देखेंगे 5 स्पीड का जो है गियर बॉक्स है, और यहाँ पे स्पेसिंग के लिए यहाँ से अगर आप देखें तो आपको जो है पूरी स्पेसिंग कुछ ऐसी मिलेगी, लगता नहीं है यहाँ पर जो है सामान रखने का कुछ जो है यहाँ पे आपका जो है स्पेस दिया गया, लेकिन ये ऐसे जो है खुल जाता है। इसके नीचे भी आप यहाँ पर रख सकते हैं कुछ, और जो ये सीट देख रहे हैं जो है सीट जो है अगर आप जो है नीचे करना चाहें तो कुछ इस तरफ से जो है आप इसे कर सकते हैं, जो कि आपका जो है सीट नीचे करने का पूरा ऐसे जो है सिस्टम दे दिया जाता है। तो इस तरीके से ये पूरी फ्लैट हो जाती है, यहाँ पर जो है जितने भी जैक वगैरह ये रहते हैं ये आपके जो है देखने को आपके जो है मिल जाएंगे। और ऊपर ये इसका रेडियो एंटीना आपको देखने को मिलेगा। ये जो आपका शीशा है ना, ये भी अगर डे नाइट वाला कर देते जो कि रात के टाइम में जो है थोड़ा रिफ्लेक्शन पड़ता है तो ये अच्छा लगता। बाकी ये लैंप देखिए पूरी LED में जलते हुए काफ़ी अच्छी लगती है, ये हेलोजन में नहीं कर रखी है, पीली लाइट वाली नहीं है, सफ़ेद लाइट वाली दे रखी है। और यहाँ पर आपका सनवाइज़र दोनों ओर आपको देखने को मिलेंगे, और यहाँ से पीछे देखिए ये वाली विंडो भी स्लाइड हो जाती है, तो ये अच्छी चीज़ दे रखी है। वैसे तो AC है पूरा, बंद करके चलेंगे आराम से, ठंडा ठंडा आपका पूरा कैबिन रहेगा यहाँ पर, और स्पेसियस रहता है पूरा, स्पेस अच्छा खासा है, ड्राइवर के संग दो लोग भी बैठते हैं तो आपको जो है इतना ज़्यादा घुटन इसमें जो है आपको महसूस होने वाली जो है नहीं है, और कुछ ऐसा जो है स्पेस देखने को मिलेगा। आपको हेडरूम दिखाऊं, हेडरूम मेरे अकॉर्डिंग कितना मिल रहा है तो देख लीजिए, हेडरूम कुछ इतना बहुत अच्छा खासा है, लगभग 6 फीट का बंदा भी यहाँ पर ड्राइवर साइड पर जो है यहाँ पर सीट पर बैठेगा तो उसको ज़्यादा कुछ जो है यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको यहाँ पर बताई पूरे इंटीरियर के बारे में जो कि आपको पता लगी होगी। अब बाहर जाते हैं, पिकअप की बात करते हैं, क्या पेलोड कितना बड़ा डाला, कितना बड़ा जो है यहाँ पे टायर साइज है, क्योंकि ये थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, लेकिन इस पिकअप के जो है वीरो के टॉप एंड मॉडल V6 के बारे में आपको जो है सारा कुछ जो है बता के चली जाएगी। ये इसका आपने अंदर का सारा फीचर्स देखे। अब जैसी आप जो है आगे से आते हैं तो आगे से देखिए, बिल्कुल भी नहीं लगता कि कोई जो है यहाँ पर ये पिकअप अभी आप सामने देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो क्रोम का काम है ये काफ़ी अच्छा कर रखा है, ऐसी जो है लाइनिंग दे रखी है महिंद्रा इस पर लिखा हुआ, तो इससे थोड़ा सा जो है प्रीमियम लगने लगता है यहाँ पे पिकअप। बड़ी सी आपको जो है यहाँ पे विंड स्क्रीन देखने को मिलती है, तो इससे क्या है ड्राइवर को आराम से पूरा रोड जो है एकदम क्लियर दिखता है। दो वाइपर मिलेंगे यहाँ पर, इसी में जो है पानी के लिए यहाँ पे जो है यहाँ पे वॉशर यूनिट दे रखी है। साथ ही साथ जैसे आप यहाँ देखते हैं तो आपको वीरो क्रोम में लिखा हुआ, आर अलग शेड में लिखा हुआ, जो कि डिटेलिंग काफ़ी आपको यहाँ पे अच्छी लगने वाली है। इसके बाद जैसे यहाँ पे देखते हैं ये वाली चीज़, जहाँ महिंद्रा का लोगो है, वे पुराना ही वाला लोगो यूज किया गया, जो कि कुछ अब ऐसा नया ऐसा लगने वाला है, और ये चीज़ पूरी इलेक्ट्रिक जैसा कोई पिकअप है वैसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसके वहाँ पर आपका जो है रेडिएटर देखने को मिल जाता है यहाँ पर भी थोड़ी सी स्पेसिंग दे रखी है। और यहाँ पे हेडलैम्प देखते हैं, तो हेडलैम्प ये हेलोजन में रहेंगी, लगती अच्छी हैं, ऊपर इंडिकेटर यहाँ पर दे रखे हैं, ये भी हेलोजन में रहेंगे, और पायलट लैम्प भी हेलोजन में रहने वाली है। और रात के टाइम में जलते हुए हेडलैम्प्स कुछ आपको जो है ऐसी देखने को मिल जाती हैं। जैसे ही आप नीचे आते हैं तो नीचे आपको जो है रिफ्लेक्टर टेप का जो है प्रॉपर यूज़ देखने को मिल जाएगा, जो कि रात में कुछ इसमें जो है लाइट पड़ती है तो आराम से आपको जो है गाड़ी दिख जाए। और बम्पर भी देखिए, यहाँ पर बम्पर में अच्छी खासी कलाकारी कर रखी है, थोड़ा सा आगे निकला हुआ, इसको एक अच्छा सा सामने से लुक दे देता है।
इसमें रिफ्लेक्टर यहाँ पे यूज़ किए हैं, यहाँ पे आप जो है फॉग लैंप्स लगवाना चाहें लगवा सकते हैं। और इसकी पूरी जो चौड़ाई है ना वो आपको जो है लगभग 1746 mm की जो है यहाँ पर देखने को मिल जाती है, मतलब 1.5 meter से ऊपर की जो है इसकी पूरी चौड़ाई रहती है। तो अंदर कभी कभार जो है ज़रूरी नहीं है ड्राइवर पतला दुबला हो, कभी जो है अच्छा खासा जो है तगड़ा भी होता है, तो अंदर उसको जो है शोल्डर रूम अच्छा खासा यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके बाद साइड से आते हैं तो पूरी जो यहाँ पर लेंथ है यहाँ पर इसकी जो है 4980 mm की देखने को मिल जाती, मतलब 5 meter से नीचे जो है यहाँ पर इसकी लेंथ रहती है, लेकिन 4.5 meter से ऊपर की इस टॉप एंड मॉडल की यहाँ पे रहेगी। साथ ही साथ जो व्हील बेस है वो इसका जो है 2700 mm का, मतलब जो है यहाँ पे 2.5 meter से ऊपर का जो है इसका व्हील बेस देखने को मिलेगा आपको। इसके बाद जैसे ही आप साइड से आते हैं तो यहाँ पे टायर जो आप देख रहे हैं, टायर साइज भी आपका जो है यहाँ अलग अलग आपको जो है देखने को मिलते हैं। इस वाले में आपको 195R15 का आपको जो है जेके का टायर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और टायर साइज जो है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको 195R15 का रेडियल टायर जेके का आपको देखने को मिलेगा। टोटल 5 nuts हैं, फ्रंट में डिस्क ब्रेक आएगी और ब्लैक कलर के रिम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और जैसे आप देखेंगे साइड में इंडिकेटर और ये क्लैडिंग अच्छी खासी यहाँ पर लगती हैं। और इसके बाद कमानी जो यहाँ पर सस्पेंशन है वो आपको जो है यहाँ पर कुछ ऐसे जो है देखने को मिल जाते हैं, जो कि लीप स्प्रिंग यहाँ पे दे रखे हैं। अब इसे गिनते हैं कितने टोटल लीप स्प्रिंग हैं, तो यहाँ पर टोटल जो है 4 लीप स्प्रिंग यहाँ पर कमानी पट्टी यूज किए गए हैं। इनकी मोटाई भी अच्छी खासी यहाँ पर लग रही है। इसके बाद ये जो है इसका एयर फिल्टर रहता है, इस तरीके से यहाँ से जो है ऊपर से काफ़ी जो है यहाँ पर अच्छी हवा, मतलब क्लियर जो यहाँ पर एयर है इसके अंदर इंजन के अंदर जाती है। अब मेन इंजन की बात करते हैं, इंजन की बात जो हमने नहीं करी क्योंकि इसका बीच में रहता है इंजन। इंजन आपको जो है यहाँ पर 1493 cc का MDI 3 cylinder वाला डीजल इंजन है, जो कि पावर आउटपुट लगभग 80 जो है HP की निकाल देता है। हॉर्स पावर 3500 rpm पे 210 Nm का जो है टॉर्क मिलेगा 1400 से 2600 rpm के बीच में। तो ये पावर आउटपुट जो है आपको कुछ इसमें देखने को मिल जाता है। अब अभी मैं स्टार्ट करके दिखाऊंगा एंड में क्या कैसी जो है साउंड सुनने को मिलती है। अब बात आ जाती है पीछे जो है यहाँ पे ये वाले पोर्शन की, तो यहाँ पर लोड बॉडी से स्टार्ट करेंगे। तो लोड बॉडी देखिए इसमें जो है आपकी XXL वेरिएंट में लगभग जो है यहाँ पर मतलब 10 feet की जो है लगभग जो है इसकी लंबाई रहती है इस वाले वेरियंट में, और 5 foot 4 inch की जो है यहाँ पर चौड़ाई रहेगी। और वहीं अगर आप इसका जो है नीचे वाला मतलब छोटा डाला वाला लेंगे, लगभग 9 feet का उसमें जो है यहाँ पे डाला दिया गया है। और डीजल वेरिएंट में इसमें जो पेलोड है ना वो आपको लगभग 1550 kg का, साथ ही साथ जो है 1600 kg का, दो आपके जो है पेलोड वाले आपके इसमें वेरिएंट रहेंगे। 1600 वाले में मेरे ख्याल से परमिट आपका जो है यहाँ पे लगेगा, वो परमिट वाला जो है आपका पिकअप रहेगा। तो 1500 जो है आप पेलोड वाला 1550 वाला आप जो है ले सकते हैं, जिसमें कि मेरे ख्याल से परमिट जो है नहीं लगने वाला है। और साथ ही साथ ये पिकअप आपको जो है CNG में भी आपको मिलेगा, जिसमें कि 1400 और 1500 जो है kg के दो आपको जो है यहाँ पर पेलोड कैपेसिटी यहाँ पर मिलने वाली है, तो वो भी आप ले सकते हैं। जैसी CNG वेरिएंट आता है उसकी भी वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तो ये पेलोड मैंने बता दिया 1600 और 1550 इसका डीजल में रहने वाला है, और जो है यहाँ पर लोड बॉडी भी आपको अलग अलग ऑप्शन यहाँ पर दे दिए जा रहे हैं। यहाँ से जैसे ही आएंगे तो आपको जो है यहाँ पे यूरिया टैंक देखने को मिल रहा है, लगभग जो है 10 liter की इसकी कैपेसिटी रहेगी। और यहाँ पर जो है इसका चेसी कुछ ऐसा है, बहुत ही वर्सेटाइल चेसिस है, जो कि डीजल में भी ये कन्वर्ट हो जाता है, ये आपका CNG में भी और इलेक्ट्रिक में भी। अब इलेक्ट्रिक में कब आता है देखते हैं। बाकी इसकी लोड बॉडी में आपको अलग से जो है यहाँ पर इस तरीके से जो है यहाँ पर फ्रेम लगे हुए आपको देखने को मिल जाते हैं, जिससे कि इसकी थोड़ी सी स्ट्रेंथ आपकी जो है बढ़ती हुई आपको देखने को मिलेगी। और साइज अच्छा खासा है इसका। और साथ ही साथ इसके बाद जो है पीछे आप टायर की बात करेंगे, वही 195R15 का आपको टायर साइज मिलता है। इसके बाद यहाँ पीछे आएंगे तो पीछे जो है कमानी पट्टे कितने दे रखे हैं, यहाँ से अगर आप जो है गिनते हैं तो लगभग मान के चलिए आपके जो है 9-10 जो है यहाँ पर कमानी सस्पेंशन आपके मिल जाएंगे, जिनकी जो है आपकी मोटाई भी काफ़ी अच्छी खासी रहती है। और यहाँ से जो है आप इसमें डीजल भरवाएंगे, लगभग 40 लीटर की डीजल टैंक की इसकी कैपेसिटी है। शॉक एब्जॉर्बर भी इसमें टोटल जो है यहाँ पे यूज कर रखें, जिससे कि इसका जो है वे जो आपका
इधर उधर गड्ढे हैं उसमें जो है जो ज़्यादा वेट होगा, तो इससे जो है ये आपको ज़्यादा जो है झटके ना दें, तो इससे प्रॉपर सस्पेंशन में आपका जो है शॉक एब्जर्वर भी यूज देखने को मिल जाएगा। पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो है स्पेयर व्हील रहता है। स्पेयर व्हील आप जो है यहाँ पे स्टपनी कह सकते हैं, आप इसे जो है यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं आराम से, कभी भी पंचर हो यहाँ से निकाल लेंगे। और जैसे ही आप पीछे आते हैं तो पीछे देखिए रिफ्लेक्टर टेप का यूज ऐसा देखने को मिलेगा। रिवर्स पार्किंग सेंसर भी हैं और कैमरा भी है। कैमरे की मैंने अभी आपको जो है अंदर क्वालिटी दिखाई थी, जो कि आपको पता लगी होगी। चौड़ाई में लगभग जो है 5-4 का लगभग जो है डाला रहेगा, तो ऐसी कुछ चौड़ाई रहती है। पीछे की जो टेल लैंप है ये कुछ आपकी ऐसी कुछ देखने को मिलती है, जो कि रात में जलते हुए आप जो देख रहे हैं, ये रात के टाइम में इसे जला के आपको मैं दिखा रहा हूँ। कुछ ऐसा जो है इसका थ्रो रहता है, तो ऐसे है साइड इस तरफ से आते हैं तो यहाँ पे आपको जो है बैटरी कंपार्टमेंट कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। एक्साइट की जो है यहाँ पे मेंटेनेंस फ्री बैटरी आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे बस आप एक जो है ताला लगा लेना, बैटरी इधर उधर मतलब चोर जो है यहाँ पे चुराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आजकल मतलब टाइम ही ऐसा आ चुका है कहीं भी पिकअप खड़ा हो आपका जो है इधर उधर, क्योंकि ये ज़्यादातर घर के अंदर नहीं करते खड़े लोग, तो यहाँ पर जो है बाहर ही खड़ा रहता है पिकअप लोगों का। तो यहाँ से बैटरी चुराने की भी कभी बहुत आपने जो है शिकायत सुनी होंगी, तो इस तरीके से यहाँ पे आप ताला लगा सकते हैं। बाकी ये इसके सारी ये चीज़ें आपकी जो है कूलेंट वूलेंट बॉक्स, ये सारा कुछ आपको जो है देखने को मिल जाता है। तो ये था थोड़ा सा जो है यहाँ पे लंबा वीडियो, लेकिन इस वीरो के बारे में मेरे ख्याल से आपको डिटेल में पता लग गया होगा कि क्या क्या फीचर्स इसमें दिए गए हैं। इंटीरियर में मैंने सारे आपको सबसे पहले फीचर्स बताए और टोटल कितने वेरिएंट हैं, हाई डेक, लो डेक, स्टैंडर्ड डेक या CBC चेसिस वेरिएंट, वो आपका जो है V2 में मिलेगा। जिसे यही कंपनी से ही लंबी वाली ऊंची बॉडी चाहिए 10 फिट में, वो भी जो है इसमें V2 वाले वेरिएंट में वो ले सकता है। लेकिन ये पावर विंडो वगैरह ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आपको जो है देखने को नहीं मिलती हैं। अब इसके बाद जैसी अब जो है इसके इंजन की बात करते हैं, इंजन की साउंड सुनाता हूँ आपको मैं एक बार। और हैंड ब्रेक देखिए, सबसे अच्छी चीज़ मेरे को हैंड ब्रेक लगी यार इसकी, बहुत ही स्मूथ है, एकदम जो है डाउन भी आराम से हो जाता है और आप जो है इसे हैंड ब्रेक लगाने में भी ज़्यादा जो है दिक्कत आपको जो है देखने को नहीं मिलती है। अब अंदर आ चुके हैं हम, सबसे पहले इसका जो है गेट बंद करते हैं हम, तो साउंड सुनाऊंगा एक बार कैसी जो है गेट बंद करके अंदर कितनी साउंड आती है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा जैसा कि डीजल इंजनों में वाइब्रेशन स्टार्टिंग में रहता है, लेकिन उसके बाद स्टार्ट होने के बाद आपको जो साउंड है आप सुन रहे हैं कुछ अंदर ऐसी जो है इतनी सुनने को मिलती है। अब जैसी जो है मैं ये गेट खोलता हूँ तो साउंड हल्की सी जो है आपको बाहर से सुनाता हूँ, कुछ इतनी जो है आपको साउंड बाहर से जो है सुनने को मिलती है। बाकी एक बार चलाने का मौका मिला तो इसे जो है चला के भी आपका जो है ड्राइव रिव्यू आपका जो है ज़रूर बनाएंगे हम। और माइलेज की अगर मैं बात करूँ, अगर अंडर लोड में जो है माइलेज मान के चलिए लगभग इसमें आपका जो है 16 से 17 के आसपास जो है मिल सकता है। बाकी चलाने पे डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं है 16-17, आप इससे जो है ज़्यादा भी ले सकते हैं। जिनकी ड्राइविंग इतनी अच्छी नहीं है वो थोड़ा सा कम भी ले पाएंगे। तो माइलेज सारा कुछ जो है गाड़ी के लोड पे और चलाने पे डिपेंड करेगा। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, बाकी इन्फॉर्मेटिव लगी हो ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और ऐसे नई वीडियो के साथ में।